Hi friends, welcome, welcome back to my channel. This is Fashion Your Chetna and I'm back with another video. So, आज का वीडियो जो है थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे स्टाइलिश, अट्रैक्टिव एंड फ्रेश लग सकते हो, चाहे आप कॉलेज जाते हो, चाहे आप ऑफिस जाते हो, चाहे आप घर में रहते हो या चाहे आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, कुछ भी आप करते हो, तो आप कैसे स्टाइलिश, अट्रैक्टिव एंड फ्रेश लग सकते हो पूरे दिन. ये वीडियो होने जा रहा है आपकी ब्यूटी से रिलेटेड. सो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं बनाती हूँ फैशन हॉल वीडियो, फैशन हैक्स वीडियो एंड फैशन से रिलेटेड एंड ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में वीडियो. सो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरे न्यूली नोटिफिकेशन जल्दी से पा सको गाइस. सो आज का वीडियो, वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे टिप्स होते हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी ऑफिस लाइफ में आप यूज़ करके अपने आप को स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव बना सकते हो गाइस. बट कुछ ऐसे टिप्स जो मैं मानती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप लोग दिख सको बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव. सो ये वीडियो होने जा रहा है. सो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट गेट स्टार्टेड. सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगी जिससे आप अपने लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो गाइस. सो सबसे पहला जो टिप मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ दैट इज़ आपकी हेयर से रिलेटेड है. मतलब आपको अगर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एंड स्टाइलिश लगना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे हेयर का, जो हमारा लुक जो है वो पूरा चेंज कर देता है. like, मैंने भी ये पर्सनली फील किया है कि आपने मेरे पुराने ओल्ड वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे हेयर इतने लंबे थे. मुझे शुरू से शॉर्ट हेयर बहुत अच्छे लगते हैं, बट जब किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं अगर हेयर कट नहीं ले पाती हूँ तो वो लॉन्ग हो जाते हैं, तो मुझे खुद को भी लॉन्ग हेयर पसंद नहीं, मुझे शॉर्ट हेयर अच्छे लगते हैं. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरे हेयर का लुक, मेरा हेयर कट लेते ही मेरा पूरा लुक चेंज हो गया, वैसे ही हमारी लाइफ में, हमारी ब्यूटी से, हमारे फैशन में भी हेयर स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. लॉन्ग हेयर रखो, चाहे आप शॉर्ट हेयर रखो, चाहे आप मीडियम हेयर रखो, तो हेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो व्हाट आई वांट टू सजेस्ट यू इन दिस टिप कि आपकी हेयर जो है वो कभी भी बहुत ज्यादा फ्रिजी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा आप बहुत ज्यादा टाई अप करके नहीं रहने चाहिए, तो वो आपके लुक को थोड़ा डाउन कर देते हैं. सो आपके लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको हमेशा कॉम करके रखना चाहिए, या फिर जैसे आप घर में रहते हो तो बन बना लेते हो, यूजुअली मैं भी बनाती हूँ, बट आपको बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस नहीं होना चाहिए. सपोज आप बाहर जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो तो आप ऐसा नहीं सोचो कि ठीक है हमने हेयर वॉश कर लिया, हम जैसे हैं वैसे चले जाएं. वैसे तो कोई भी नहीं जाता, मगर मैं बता रही हूँ कि आप उनको थोड़ा सा अच्छे से स्टाइलिश करके, उसके लिए आप हेयर स्टाइल की वीडियो वॉच कर सकते हो, तो अच्छे से उनको स्टाइल करके या थोड़ी सी स्ट्रेटनिंग यूज़ करके या थोड़ा कर्लर यूज करके और एलोवेरा जेल यूज करके, ताकि आपके बाल थोड़े स्ट्रेट और थोड़े से कर्ली लगे. मतलब जैसे चाहो वैसे आप इक्विपमेंट यूज करके या हेयर स्प्रे वगैरह यूज करके या हेयर सीरम यूज करके, आप जैसे चाहो वैसे जो भी इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल हो, जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हो, तो वो यूज करके आप अपने हेयर को अच्छा सा स्टाइलिश बना सकते हो, जिससे आपका लुक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा. सो मैं अपने हेयर को स्टाइलिश दिखाने के लिए क्या यूज करती हूँ, ये कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है. मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं जो मैं अपने आपको अट्रैक्टिव एंड स्टाइलिश बनाने के लिए यूज करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. मे भी हो सकता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो. सो मैंने सोचा मैं कुछ कुछ जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ. तो मैं मोस्टली अपने हेयर को, जब भी मेरे को अपने वीडियो शूट करने होते हैं, तो कुछ हेयर स्टाइलिश इक्विपमेंट यूज करती हूँ, जैसे कर्लर यूज करती हूँ कभी कभी, ये मेरे पास हेवल्स का है. सो मैं ये यूज करती हूँ, ये मैं बहुत कम यूज करती हूँ, जब मुझे जरूरत होती तभी मैं यूज करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं यूज करती हूँ. बट हाँ, ये इक्विपमेंट भी मैं अपने हेयर को स्टाइलिश दिखाने के लिए यूज करती हूँ. सेकेंडली मैं जो यूज़ करती हूँ वो ये हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ, जो कि मैंने शायद 6 to 8 मंथ पहले ही परचेज किया है. इससे पहले मेरे पास फिलिप्स का एक और हेयर स्ट्रेटनर था जो कि थोड़ा स्लिम था, बट मैंने ये ब्रॉड प्लेट्स का लिया है. ये जल्दी से बालों को स्ट्रेट कर देता है. यू नो, मुझे वीडियोज़ के लिए बहुत जल्दी से तैयार होना पड़ता है, सब कुछ एवरीथिंग जैसा टाइम मिलता है वैसे. तो ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है. तो आप इस टाइप के यूज़ कर सकते हो. like, अगर आप नेचुरल एलोवेरा जेल अपना हेयर वॉश करने से पहले 1 आवर अप्लाई करोगे तो आपके हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे. नहीं तो आप कोई भी हीटिंग प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले ये पतंजलि का या नॉर्मल किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हो, तो ये आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा. या फिर अपने बालों को लॉन्ग लास्टिंग सेट बनाए रखने के लिए आप हेयर सीरम, हेयर स्प्रे वो भी यूज़ कर सकते हो. मैं किसी भी ब्रांड का आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, वो आपकी वो टोटल
टोटली आपकी चॉइस है, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप परचेस कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगी लॉरियल का भी अवेलेबल है एंड ब्रॉन के भी बहुत सारे स्प्रे अवेलेबल हैं, बहुत सारे 400 एंड 500 की रेंज में बहुत सारे स्प्रे अवेलेबल हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, नायका पे एंड मिंत्रा पे, तो आप वो परचेस कर सकते हो। मैं एक दो हेयर स्प्रे का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। सो ये फर्स्ट टिप था कि आपके हेयर में कोई भी फ्रिजीनेस नहीं होनी चाहिए, उलझे हुए नहीं होने चाहिए, हमेशा आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टाइल करके फिर आप ऑफिस जा सकते हो। तो ये टिप जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, अगर आपके हेयर अच्छे होंगे तो आपका लुक जो है पूरा चेंज लगेगा। सेकेंड टिप जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम इंडियंस के लिए। सो जो सेकेंड टिप है उसमें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बिंदी के बारे में। अगर आप कोई भी इंडियन आउटफिट्स वियर करते हो, चाहे वो सलवार कमीज हो या साड़ी हो, जो भी आप वियर करते हो, आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बिंदी ज़रूर लगाया करो, बहुत ही स्टाइलिश लुक लगता है। ऑब्वियसली वेस्टर्न आउटफिट के साथ तो हम बिंदी नहीं लगा सकते, वैसे लगाने वाले लगाते भी हैं, बहुत अच्छी लगती है, बट अगर आप इंडियन आउटफिट वियर करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक स्मॉल सी बिंदी, वैसे आपकी चॉइस है, आप मीडियम लार्ज जैसी चाहो वैसी लगा सकते हो, बट एक स्मॉल सी बिंदी आप लगाओगे तो आपका लुक जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा। सो मैं आपको कोई ब्रांड सजेस्ट नहीं कर रही, बट मैं यूजुअली ये तोहफा एंड पेटल्स की बिंदी यूज़ करती हूँ, जिसमें पेटल्स में मेरे पास सारे साइज अवेलेबल हैं, ये इजीली आपको मार्केट में 10-15 रुपीज़ में मिल जाती है। सो मैं ये बिंदी यूज़ करती हूँ अपने इंडियन आउटफिट के साथ में, तो अपना लुक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। थर्ड टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ आपकी आईब्रोज। आप हमेशा कोशिश करा करो कि आपकी आईब्रोज जो है वो हमेशा बोल्ड दिखे, और अभी तो ट्रेंड चल रहा है बुशी आईब्रोज का, तो आप अपनी आईब्रोज को अगर बोल्ड बनाओगे या बोल्ड आईब्रो पेंसिल यूज़ करोगे तो आपका फेस थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, थोड़ा सा मतलब एकदम क्लियर सा या फिर थोड़ा अट्रैक्टिव एंड एवरीथिंग विजिबल वाली फीलिंग आएगी कि आप बहुत ही सुंदर लगोगे। इस टाइप से मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। सो आईब्रोज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मैं जो ये पॉप फील की आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है, और आई थिंक मैंने ये 125 रुपीज़ में मैंने क्लब फैक्ट्री से परचेज करी थी, और अभी इसको शायद 2-3 साल हो गए हैं, बट मैं अभी भी इसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। अभी आप इसको नहीं परचेज कर सकते हो, बट बता रही हूँ मुझे ये बहुत पसंद है, एंड इसके पीछे आपको एक स्पूली मिलता है, आगे से ये प्रोडक्ट मिलता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये नहीं ले सको तो आपको मैं बताऊंगी कि मेबलिन की जो आईब्रो पेंसिल आती है 2-in-1 वाली, पीछे इसका ब्रश आता है आगे से ये इस टाइप से आती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप कोई आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करना चाहो तो मैं सिंपल सा बताती हूँ आपको कि अगर आपके पास ब्राउन एंड ब्लैक कलर का आई शेडो हो तो आप स्पूली की हेल्प से आप जो है आईब्रो को सेट कर सकते हो, बोल्ड बना सकते हो आईब्रो को। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास में आईब्रो पेंसिल होना ज़रूरी ही है, तो ये घर का आपके पास ब्लैक या ब्राउन आई शेडो हो अपनी आईब्रो को बोल्ड बना सकते हो। सो बोल्ड आईब्रो जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है एंड बहुत ही अच्छा लुक देती है आपके फेस का। सो ये भी एक टिप है। मैं आपको टिप देना चाह रही हूँ कि काजल एंड आईलाइनर, वो टोटली आपकी चॉइस है कि आप काजल लगाना पसंद करते हो या आईलाइनर लगाना पसंद करते हो, बट मैं मोस्टली जो है अपने वीडियो से आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम काजल लगाती हूँ। जब मैं इंडियन आउटफिट वियर करती हूँ या बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करती हूँ तो मैं काजल लगाना पसंद करती हूँ, अदरवाइज मैं मोस्ट ऑफ वीडियोज़ में अपना आईलाइनर ही लगाना पसंद करती हूँ, जिससे मेरा फेस का लुक जो है ना तो ज़्यादा मेकअप वाला दिखता है एंड मीडियम लगता है। तो अगर आप ऑफिस जा रहे हो या आप कहीं पे भी जा रहे हो जहाँ पे आपको कैजुअली बहुत ज़्यादा रेडी होने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आईलाइनर लगा सकते हो, वो टोटली आपकी चॉइस है, किसी भी ब्रांड का आप लगा सकते हो। मैं जो यूज़ करती हूँ वो लैक्मे एब्सोल्यूट का शाइन लाइन यूज़ करती हूँ, मेरा फेवरेट आईलाइनर है ये, मेरी 4-5 बॉटल होगी, बट मैं इससे बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ इसकी, और इसका ब्रश बहुत ही ज़्यादा पतला आता है, सो ये लगाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड बहुत जल्दी लग जाता है। सो मेरे लिए तो बहुत जल्दीबाजी वाली चीज़ें होती है, सो मेरे लिए बहुत ही वर्थ है ये प्रोडक्ट। एंड मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि आईब्रो एंड आईलाइनर एंड काजल टोटली आपकी चॉइस, आप जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। बस एक सिंपल सा टिप देना चाह रही हूँ कि आप अपनी आईज में हमेशा या तो काजल या आईलाइनर, जो भी आपको पसंद हो वो लगाया करो, तो आपका फेस थोड़ा और अट्रैक्टिव एंड फ्रेश एंड स्टाइलिश दिखेगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास 10-20-25 लिपस्टिक होना ज़रूरी नहीं है, सम बेसिक लिपस्टिक जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपके पास होने ही चाहिए, ताकि इससे आप किसी भी तरह का लुक क्रिएट कर सकते हो। सो आपने मेरे मोस्ट ऑफ वीडियोज़ में
देखा होगा कि मैं हमेशा मीडियम या न्यूड टाइप की लिपस्टिक लगा के आ जाती हूँ. जब मेरे को बहुत ही हैवी मेकअप करना होता तो ही मैं कोई बोल्ड लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, अदरवाइज मैं यूज़ नहीं करती हूँ. सो सम लिपस्टिक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके पास हो तो आप किसी भी तरह के मेकअप के लिए अपना काम चला सकते हो. सो यहाँ पे ये अल्ट्रा मैट है नायका की, जिसमें डायना 06 इसका शेड नंबर है. ये मोस्टली मैं अपने वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ. सेकेंड लिपस्टिक जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी ये ग्रेस 07, अगेन नायका अल्ट्रा मैट की है. ये पिंकिश, थोड़ा सा लाइट पिंक में आती है. और ये दोनों लिपस्टिक जो है आपके डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो. आप ऑफिस जाओ, चाहे आप कहीं पे भी जाओ, मीटिंग के लिए जा रहे हो या अपनी फ्रेंड से मीटिंग के लिए जा रहे हो, किसी से भी मीट के लिए जा रहे हो, तो आप ये नॉर्मल सी लिपस्टिक लगा के जा सकते हो. बहुत ही ज़्यादा बोल्ड नहीं दिखती है एकदम, मैंने भी अभी लगा रखी, नेचुरल सा लुक देती है. सो आप ये बेसिक दो लिपस्टिक आपके किट में होनी चाहिए, इससे आप नॉर्मल मीटिंग एंड अपने ऑफिस लुक को कम्प्लीट कर सकते हो. अगर बात करें हम वेडिंग सीजन की या किसी भी हल्दी फंक्शन, मेहंदी, किसी में भी तो आपके पास दो लिपस्टिक होना बहुत जरूरी है. सो मैं आपको सजेस्ट करने जाऊंगी एक रेड एंड पिंक कलर की. वैसे तो आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप लिपस्टिक परचेस कर सकते हो, बट मैं नहीं चाहती कि आप 10-15 लिपस्टिक भर के अपने किट में रखो. बेसिक 4-5 लिपस्टिक आपके पास होनी चाहिए. इनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और आप 4-5 साल निकाल सकते हो. सो यहाँ पे मैं आपको बताने चाह रही हूँ नायका की अगेन मिस्टी शेड की लिपस्टिक 010 एंड स्टे क्योर की एक लिपस्टिक है मेरे पास पिंक कलर की, बहुत ही अच्छा नियॉन पिंक शेड है इसका. सो इसमें शेड नंबर तो मुझे नहीं पता है कलर की, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी अपने कार्ट में, जो भी मैंने देखा होगा पहले परचेस किया होगा वो देख के मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी. तो ये चार लिपस्टिक आपके किट में होना जरूरी है. अगर आप चाहते हो कि एकदम ज्यादा न्यूड एंड एकदम ज्यादा ब्राइट पिंक की लिपस्टिक चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये बॉम्बे शेड नंबर 10 टू मैट की, एंड एक ये जो शुगर की लिपस्टिक है स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक, इसमें आप अपना 07 रितिक पिंक आप जो है खरीद सकते हो. ये भी अच्छा खासा ब्राइट पिंक है. सो ये बेसिक लिपस्टिक आपके किट में होनी चाहिए, अदरवाइज ऐसा कोई जरूरी नहीं 10-20 लिपस्टिक आप अपने किट में भर के रखो. सो ये बेसिक लिपस्टिक है, इससे आपका न्यूड मेकअप, इससे आपका बहुत शादी पार्टी सब अरेंज हो जाएगा, इस लिपस्टिक से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. नाउ कमिंग टू दी नेल्स एंड आपका हाथ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेरे को ना तो नेल्स बढ़ाना पसंद है ना ही नेल पेंट ज़्यादा लगाना पसंद है. बस मैं अपने वीडियोस के लिए नेल पेंट लगाती हूँ, अदरवाइज मैं अपने नेल्स अच्छे से कटिंग करके अच्छे से ट्रांसपेरेंट रखती हूँ. मुझे पसंद नहीं है नेल पेंट लगाना, नेल आर्ट करना अपने नेल्स पे. बस ये लगी हुई है, वो भी मैंने कल परसों अपना कोई वीडियो शूट किया था. तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको नेल पेंट बहुत ज़्यादा लगाना पसंद है, नेल आर्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बाहर से भी नेल आर्ट होता है वो आप कर सकते हो. आप घर में नेल्स बढ़ा के अपनी जैसी चाहे वैसी पसंद की आप नेल पेंट लगा सकते हो. सो अगर आप अपने नेल्स को बहुत ही अच्छे से फाइन करके उनको लॉन्ग रख के अच्छी खासी नेल पेंट लगा के रखते हो तो ये भी एक अच्छा इंप्रेसिव पार्ट होता है आपके लुक को अट्रैक्ट एंड फ्रेश एंड स्टाइलिश बनाने का. सो आप अपने नेल्स को जैसे चाहो वैसे स्टाइल कर सकते हो. अगर आपको नेल पेंट नहीं पसंद है, पर्सन हो जिसको नेल पेंट नहीं पसंद है लाइक मी, तो आप अपने नेल को ट्रांसपेरेंट रख सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है. मतलब एकदम फाइन एंड नीट एंड क्लीन अपने नेल्स को रख के आप रख सकते हो. नाउ कमिंग टू दी रिस्ट, तो वेस्ट के लिए मैं आपको इन्वेस्ट आपको बोलूँगी कि बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग लास्टिंग है. तो इसमें आपके पास एक गुड क्वालिटी की वॉच जो है आप रख सकते हो. मेरे पास में ये अमेज फिट के, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ये स्मार्ट वॉच है, मैं अपनी एक्सरसाइज में, इवन मोस्टली मैं बाहर जाती हूँ तब भी मैं ये वाली वॉच पहनना पसंद करती हूँ. अगर मैं शादी पार्टी में जाती हूँ तो मैं चेन वॉच पहनना पसंद करती हूँ, जो कि मैंने 5-6 ईयर पहले ली थी. डैनियल कैलन की ये वॉच है जो कि मैंने मिंत्रा से 5-6 ईयर पहले ली थी, बट बहुत अच्छी वॉच है ये. ये आपको मिलती है गोल्ड एंड स्टील कलर के शेड में मिलती है, बहुत अच्छी वॉच है. बट मैं यूजुअली साड़ी पे या बाहर शादी पार्टी में जाती हूँ तो पहनती हूँ, ज़्यादातर मैं अपनी ये वाली वॉच पहनती हूँ. इसमें मुझे बहुत ही कूल टाइप का लुक लगता है तो मैं यही वाली वॉच पहनती हूँ. सो ये वाला टिप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हाथ में किस टाइप की वॉच वेयर करते हो, तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छा बनाता है. अगर आप एक अच्छी एक्सपेंसिव वॉच खरीदते हो तो इसमें आप अपना मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, और नहीं भी करना चाहो तो आपके पास जो भी वॉच हो वो वेयर कर सकते हो, तो वो भी आपका लुक बहुत ही अच्छा लगने वाला है. कमिंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट, 7th नंबर पॉइंट की ज्वेलरी के लिए आप क्या पहने, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगना चाहते हो, स्टाइलिश लगना चाहते हो, तो अगर शादी पार्टी में तो आपको पता है कि बहुत ही हैवी ज्वेलरी हम वेयर करते हैं, बट आप ऑफिस जा रहे हो, मीटिंग के लिए जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, तो आप बहुत ही कम से कम ज्वेलरी पहनो तो बहुत ही अच्छा लगेगा. जैसे कि आपने मेरे मोस्ट ऑफ वीडियो में देखा होगा कि मैं इस टाइप की ज्वेलरी वेयर करती हूँ, और घर में मैं गोल्ड की ज्वेलरी वेयर करती हूँ. बट यू नो एज ए फैशन ब्लॉगर मुझे
मुझे बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो हर टाइम अपनी ज्वेलरी चेंज करनी पड़ती है, इसलिए मैं अपने गोल्ड के हमेशा खोल के रखती हूँ। और मैं इस टाइप के स्टाइलिश ईयरिंग्स वगैरह पहनना पसंद करती हूँ या नॉर्मल सी चेन वेयर करना पसंद करती हूँ। मतलब जितना हो सके मैं उतनी कम ज्वेलरी पहनना पसंद करती हूँ, अपने घर में, अपने मतलब फ्रेंड से या किसी से भी मिलने जा रही हूँ तो बहुत ही कम ज्वेलरी पहनना मैं पसंद करती हूँ। और बाकी मैं साड़ी वगैरह या जो भी इंडियन आउटफिट्स वेयर करती हूँ तो उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा हैवी ज्वेलरी हम वेयर करते हैं। तो अगर आप डे टू डे लाइफ में अच्छे और स्टाइलिश लगना चाहते हो तो बहुत ही ईयर ड्रॉप वाले जो ईयरिंग होते हैं या छोटे से ईयरिंग्स जो होते हैं या पतली सी चेन जो होती है, उस टाइप की ज्वेलरी आप वेयर करके अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही स्टाइलिश लगेगा, ट्रस्ट मी गाइज। नाउ कमिंग टू दी पॉइंट नंबर 8, क्लोथ की बात आती है कि आप कैसे क्लोथ पहने, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको किस टाइप के क्लोथ पसंद है। सपोज आपको छोटे क्लोथ पसंद है तो भी आप पहन सकते हो, लॉन्ग क्लोथ पसंद है तो भी आप पहन सकते हो। पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको जैसे पसंद है वैसे पहनिएगा। छोटे क्लोथ की बात करूँ तो मैं भी सारे टाइम छोटे क्लॉथ पहनती नहीं हूँ, सिर्फ अपने वीडियोस के लिए मैं छोटे क्लॉथ पहनती हूँ। और बेसिकली मैं बाहर जाती हूँ तो वही जीन्स टॉप रहता है मेरा या कुर्ती रहती है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पसंद कर सकते हो, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न है कि आप किस टाइप की वैरायटी के क्लोथ पहनो, किस टाइप की प्रिंट के क्लोथ पहनो, तो आप सिंपली जो है इंस्टाग्राम या अभी तो बहुत सारे स्टाइलिश एंड बहुत सारे फैशन ब्लॉगर आ गए हैं, तो आप यूट्यूब खोल के जो शॉपिंग हॉल्स होते हैं वो देख सकते हो। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप की ड्रेस आप पे अच्छी लगेगी। और अभी तो बहुत सारी वेबसाइट ने रिटर्न पॉलिसी कर दी है, तो आप ट्राई एंड वेयर करके देख सकते हो कि आप पे कैसा लग रहा है। अगर आप पे अच्छा लग रहा है तो आप वेयर कर सकते हो, रख सकते हो, नहीं हो तो आप रिटर्न कर सकते हो। सो ऐसा भी हो चुका है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, शॉपिंग हॉल देख सकते हो, नहीं तो गूगल पे आप ओपन करके कि क्या फैशन ट्रेंड चल रहा है वो भी आप ओपन करके देख सकते हो और अपनी फैशन के अकॉर्डिंग अपने क्लोथ मंगा सकते हो कि आप पे क्या अच्छा लगेगा। सो एक टिप है कि अगर आप क्लोथ भी अच्छे पहनते हो तो आप अट्रैक्टिव लग सकते हो। सो ये सबसे लास्ट पॉइंट आता है, बेसिक चीज़ें अगर आप अच्छी कर लो तो भी आप अट्रैक्टिव लग सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आप क्लोथ कैसे पहनते हो। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पहनो, बिल्कुल आपके बजट में हो वैसे कपड़े आप पहन सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ पहनने से आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपकी चॉइस है, हाँ आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो गूगल से, इंस्टाग्राम से या फिर शॉपिंग हॉल से कि आपको अफोर्डेबल रेंज में बहुत सारे अच्छे आपके लिए क्लोथ मिल जाएंगे। उसके लिए आप मेरे वीडियो भी वॉच कर सकते हो। सो क्लोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। कमिंग टू दी पॉइंट नंबर 9, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फ्रेश, आपके लुक को हमेशा ऑल टाइम फ्रेश बनाने के लिए, दैट इज़ बॉडी मिस्ट एंड परफ्यूम्स। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे कि आप पार्टी में जा रहे हो, जैसे कि आप शादी में जा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप परफ्यूम यूज करा करो। अगर नॉर्मली आप ऑफिस जा रहे हो, मीटिंग के लिए जा रहे हो या बाहर अपने फ्रेंड से या कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यूजुअली ट्राई किया करो बॉडी मिस्ट, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है गाइज। लोग बहुत सारे लोग परफ्यूम एंड मिस्ट में कन्फ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूँगी परफ्यूम जो होते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं एज कम्पेयर टू बॉडी मिस्ट, एंड मिस्ट जो होते हैं थोड़े माइल्ड आते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि परफ्यूम लगाते ही हेडेक होने लग जाता है या वो फ्रेग्रेंस जो होती है वो सहन नहीं कर पाते हैं। सो आप अगर ऐसा भी होता है तो परफ्यूम की जगह बॉडी मिस्ट यूज़ करा करो, बहुत माइल्ड आते हैं एंड एवरी टाइम आपकी बॉडी जो है फ्रेश फील करती है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मिस्ट यूज करा करो। सो मिस्ट के लिए बहुत सारे दुनिया भर के ब्रांड्स हैं एंड अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएंगे, बट अगर आप चाहते हो कि मैं कौन सा मिस्ट यूज करती हूँ तो सिंपल सा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मैं यूज करती हूँ, अभी रिसेंटली ये मैंने परचेस किया है, उससे पहले मैं विक्टोरिया सीक्रेट यूज करती थी, या मेरे पास में एक और है परचेस किया है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का है, यू आर द वन, सबसे परफेक्ट है एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे ऑल टाइम फ्रेश फील करवाता है। मतलब मुझे ऐसा स्वेट भी आता है तो मेरे स्वेट में भी इसकी फ्रेग्रेंस रहती है, इतना अच्छा लगता है मुझे ये। एंड ये थोड़ा शिमरी काइंड ऑफ आता है, मतलब आप इसको जहाँ पे भी लगाओगे तो आपकी बॉडी में थोड़ा शिमर टच रहेगा। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको शिमर टच नहीं पसंद है मिस्ट के अंदर, तो आप बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ये परफेक्ट पियोनी परचेस कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। बट अगर आप पर्सन हो जिसको एक अफोर्डेबल रेंज में बॉडी मिस्ट चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि नायका के भी बॉडी मिस्ट आते हैं एंड इसके बाद बॉडी शॉप के भी मिस्ट आते हैं एंड बहुत सारे ब्रांड के बॉडी मिस्ट आएंगे। जस्ट सर्च ऑन नायका, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट बॉडी मिस्ट, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक अफोर्डेबल रेंज में बॉडी मिस्ट बनाऊं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, में डेफिनेटली आपके लिए लेकर आऊंगी। तो यूज़ बॉडी मिस्ट फॉर डे टू डे लाइफ, तो ये आपकी बॉडी को हमेशा फ्रेश एंड माइल्ड फ्रेग्रेंस देगा और ये भी आपके लुक को फ्रेश बनाता है, स्टाइलिश बनाता है। सो हमेशा आप बॉडी मिस्ट यूज़ करा करो ताकि आपको किसी भी टाइप की स्मेल अपनी
बॉडी से नहीं आए, हमेशा फ्रेश फ्रेश फील हो। कमिंग टू दी लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ फुटवेयर। सो फुटवेयर के लिए अगर आप कन्फ्यूज़ हो कि हम किस टाइप के फुटवेयर वेयर करें, तो मैं ऐसा कुछ भी आपको सजेस्ट नहीं करना चाहूँगी कि आप हील्स पहने, फ्लैट्स पहने या शूज़ पहने, इट्स टोटली आपकी चॉइस है। बट थोड़े से टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आप कैजुअल जीन्स टॉप या लूज मॉम जीन्स टॉप अगर आप वेयर करते हो, तो गो फॉर कैजुअल शूज़ लाइक वाइट कलर के जो आते हैं, स्नीकर्स जो आते हैं वो पहन लीजिए करो। एंड अगर आप साड़ी, लहंगा, चोली वगैरह वेयर करते हो, तो नॉर्मल फ्लैट्स एंड हील्स आप पहन सकते हो, या जो ब्लॉक हील्स आती है जो बहुत ही कंफर्टेबल होती है, आपको इसे गिरने पड़ने का डर नहीं होता है, सो आप वो पहन सकते हो। और अगर आप नॉर्मल कुर्ती वगैरह वेयर करते हो, तो भी आप बेलीज ट्राई कर सकते हो, आप ट्रांसपेरेंट हील्स वाली ट्राई कर सकते हो। तो बहुत सारे फुटवेयर के ऑप्शन आते हैं। सो एक गुड बजट के अंदर आपके पास फ्लैट्स का, फुटवेयर्स का कलेक्शन होना चाहिए। तो वो भी अगर आप ड्रेसअप के साथ में बहुत ही अच्छे से वेयर करोगे, तो आपका लुक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप गाइज, आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो बनाने का ये पर्पज़ बिल्कुल भी नहीं है कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, या आपको मैं बता रही हूँ कि मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ आप भी यूज़ करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट आपको कुछ फ्रेश एंड स्टाइलिश अट्रैक्टिव बनाने के कुछ पॉइंट्स थे। सो कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करके एंड आप अपने आप को अट्रैक्टिव एंड स्टाइलिश बना सको। सो ये टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। हेल्पफुल रहे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा, और हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आप अफोर्डेबल रेंज में इन सारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। मैं जो यूज़ करती हूँ उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड सम अफोर्डेबल रेंज के प्रोडक्ट अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सजेस्ट करूँ, तो जो मुझे देखेंगे मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अदरवाइज आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैं एक अफोर्डेबल रेंज का इस टाइप का वीडियो बनाऊँ। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।